तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं अंजुमन हिमायत इस्लाम की जानब से जो न्यू जॉब्स जो है वो ओपन हुए हैं उन पर आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, लास्ट डेट क्या है और इस तरह की जितनी भी फॉर्मल चीज़ें होंगी वो मैं आपको क्लियर करूँगा आज की इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अपटूडेट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दें और वीडियो को एक सदका जारी समझकर दूसरों के साथ जो है आपने शेयर लाजमी करना है। और इस जॉब की खास बात जो है दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि इसके लिए आपको किसी भी चलान फॉर्म की जो है वो ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, किसी भी अप्लाई को मतलब कि जिस भी जॉब पर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है और उसके साथ ही आपने इसको डाक के ज़रिए जो है वो सेंड कर देना है इनके दिए हुए पते पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर दरख्वास्तें मतलूब हैं। अंजुमन हिमायत जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ है बहुत सारी जॉब जो है वो ओपन हुई है। फर्स्ट जॉब की अगर बात कर ली जाए लेक्चरार है इंग्लिश, उसके लिए खातून की ज़रूरत है, एम ए इंग्लिश किया हुआ, कम से कम सेकंड डिवीजन हो और 3 साल का तजर्बा जो है वो भी उनको आना चाहिए। और उसके बाद लेक्चरार है उर्दू, उसके लिए भी कम से कम उन्होंने सेकंड डिवीजन जो है वो मांगे हुए हैं, 3 साल का तजर्बा हो, एम ए उर्दू जो है वो मांगा हुआ है, लेक्चरार फारसी खातून है, एम ए फारसी में किया हुआ हो और कम से कम 3 साल का तजर्बा हो और मैट्रिक की क्लासेस को पढ़ाया हुआ जैसे कि ऊपर सब में जो है सेम दिया हुआ है। उसके बाद लेक्चरार हिस्ट्री है, इसके लिए भी खातून जो है यानी कि फ़ीमेल जो है वो वेरियन जो है वो मांगा गया है। इसके लिए आप देख सकते हैं एम ए हिस्ट्री में कम अज़ कम सेकंड डिवीजन और 3 साल का तजर्बा जो है वो आपका होना चाहिए। सुपरिटेंडेंट की अगर बात की जाए तो इसके लिए बी कम बी ए या कोई भी अगर बैचलर की डिग्री है तो वो आपके पास होना चाहिए और 10 साल का तजर्बा जो है वो आपको भी लाजमी होना चाहिए। उसके बाद तबीबा है, ये भी खातून है। उसके बाद फाजिल तिब जुरात व मात 5 साल का तजर्बा होना चाहिए इसका, जूनियर क्लर्क है, इसके लिए एफ़ ए एफ़ एस सी है, आई सी एस है, कंप्यूटर और टाइपिंग स्पीड जो है वो मतलब आपकी होनी चाहिए, टाइपिंग जो है जानना ज़रूरी है। उसके बाद इन्होंने लिखा है मोहल्ले में कुरान जो है वो भी इनको चाहिए, दरस्ती निज़ाम और कुरात में 2 साल का तजर्बा हो, लाइब्रेरियन असिस्टेंट है, इलेक्ट्रीशियन है, ड्राइवर है, लैब अटेंडेंट है और नैप का सद है। इसके लिए कम अज़ कम मैट्रिक और जो है वो मांगी हुई है और 2 साल का तजर्बा है, किसी के लिए कोई तजर्बा नहीं है। तो यहाँ पर आप ईजिली तरीके से देख सकते हैं। तो आपने इस पर अप्लाई किस तरह से करना है, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सिंपल सा पेज जो है वो लेना है और उस पर नाम पता सब कुछ जो है वो लिख लेना है, लेकिन ऊपर ऊपर आपने जिस भी जॉब पर जो इनमें से अप्लाई करना चाहते हैं उस जॉब का जो है वो नाम लिखना है और 31/7/2019 से पहले पहले आपने इनको जो है वो अरसाल कर देना है। अरसाल करने के लिए मैं आपको जो है इनका पता जो है वो बता देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी सदर दफ्तर अंजुमन हिमायत इस्लाम 119 मुल्तान रोड लाहौर, और आगे उनका नंबर जो है वो भी दिया हुआ है, आप इन पर रब्ता करना चाहते हैं तो रब्ता भी कर सकते हैं। तो नंबर मैं आपको बता देता हूँ 04237505575। और आपने इसके साथ तमाम अपनी तालीमी असनाद जो है वो भी आपने जो है लिफ्ट करनी है, इनके साथ मतलब जोड़ देनी है और जो भी आपने क्वालिफिकेशन जो है वो किए साथ सब कुछ जो है आपने जोड़ देनी है। और उसके साथ अगर आपने का कौमी शनासी कार्ड है वो भी आपने जोड़ देना, वो भी मुसद्दका यानी कि आपका तस्दीकशुदा जो है वो होना चाहिए और आपने इस पते पर जो है वो सेंड कर देना है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह।